पटना के दानापुर स्थित ऑटो स्टैंड से एक बच्ची के अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद नाबालिग बच्ची के दादा ने दानापुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। घटना की पुष्टि करते हुए दानापुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया, सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति के द्वारा उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा जा सकता है। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस ने सीसीटीवी का फुटेज राजधानी पटना के सभी थानों में भेजकर लोगों को सजग रहने की और खोज निकालने में पुलिस की मदद करने का आग्रह किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शाहपुर निवासी चंदेश्वर राय रविवार को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ एक समारोह में शामिल होने गए थे। देर शाम जब वह वापस लौट रहे थे तो ऑटो में एक अनजान व्यक्ति बैठा था। बताया जा रहा है कि बातचीत के क्रम में अनजान व्यक्ति ने चंदेश्वर राय से बातचीत बढ़ा लिया। जैसे ही ऑटो सगुना मोड़ के नजदीक रुकी, चंदेश्वर राय अपने पास से पैसा निकालकर ऑटो चालक को देने लगे। इसी क्रम में चंदेश्वर राय के नजर चुराकर वह व्यक्ति 12 वर्ष की अनु कुमारी को अपने साथ अपहरण कर लेकर लापता हो गया। इस बीच जब चंदेश्वर राय बच्ची को खोजना प्रारंभ किया तो बच्ची का वहां नहीं पाकर वे परेशान हो गए। उन्होंने इसकी सूचना परिवार के लोगों को दी। काफी खोजबीन के बाद जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार के लोगों ने दानापुर थाने में 12 वर्ष की अनु कुमारी के अपहरण का मामला दर्ज कराया है।